वन विभाग ने भूमाफिया के द्वारा किए गए अतिक्रमण की 400 बीघा जमीन को कराया मुक्त। रास्ते को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा था किसान। जिले के पिछड़ ब्लॉक के उमरी कला ग्राम पंचायत में काफी दिनों से भूमाफियों की शिकायत की जा रही थी। आज वन अमले के द्वारा लगभग 400 बीघा जमीन से भूमाफियों का कब्जा फसल उजाड़ कर हटाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जमीन खाली करवाई गई, साथ ही बीट गार्ड की लापरवाही भी सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच में अगर बीट गार्ड की लापरवाही आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का हवाला प्रशासन ने दिया है। बता दें कि उमरी कला गांव के रहने वाले जगत सिंह लोधी की 14 बीघा जमीन फॉरेस्ट की जमीन से लगी हुई है, जिसका पिछले साल सीमांकन भी कराया गया था, लेकिन उस जमीन का रास्ता फॉरेस्ट की जमीन से होकर जाता है। इसके अतिरिक्त तो उसकी जमीन तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता भी है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने रेंज होकर खेत जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों से मूंगफली की फसल की बुआई करवा दी, जिससे ये रास्ता बंद हो गया है। जब भी खेत पर जाने का प्रयास करते हैं तो दबंग रास्ते पर मारपीट को उतारू हो जाते हैं। महिला ने बताया कि जिसकी शिकायत दो बार कलेक्टर से कर चुकी हैं। इसके बाद कल पति जगत सिंह लोधी मोबाइल टावर पर अपनी मांग को लेकर चढ़ गए थे और चक्का जाम भी किया था। इसके बाद आज प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और अतिक्रमण की 400 बीघा जमीन पर खड़ी फसल को बर्बाद कर अतिक्रमण मुक्त कराया। तो आज आपके द्वारा कार्रवाई की गई, किस वजह से की गई थी? आज अतिक्रमण रोधी मुहिम के तहत कार्रवाई की गई थी जी। बीटासपुर में लगातार अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी जी। इसके संदर्भ में एक समूचा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई जी। तो अभी करीबन कितने हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई? लगभग 400 बीघे जी जमीन को मुक्त कराया गया है जी, हेक्टेयर के आसपास जी। और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी, किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा जी। सर, जो कल व्यक्ति टावर पर चढ़ा था, उसने पहले भी कलेक्टर के यहाँ शिकायत की, जहाँ कलेक्टर द्वारा गठित की गई थी, कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी पहले? तो मैं भी उनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया था, पर उस अतिक्रामक द्वारा पुनः बागड़ कर ली गई थी जी, उसको हटा दिया गया है, रास्ता खुलवा दिया गया है, उसकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया काफी तक, और ये कार्रवाई जारी है। सर, शिकायत मिल रही है कि बीट गार्ड द्वारा लापरवाही से स्थिति बनी है, उस पर क्या कारण है? अगर जांच में उनके खिलाफ आता है जी और यह सिद्ध होता है कि उनकी लापरवाही है जी, तो प्रथम दृष्टया तो समझ में आया भी है जी कि उनके द्वारा जैसी कार्रवाई की जाना चाहिए की नहीं गई है, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जी। और यह समूचा कार्य हमारे वन वित्त के मुखिया डॉक्टर अनुपम सहाय साहब जी और वन वन्य अधिकारी श्री सुधांशु यादव के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार कार्रवाई पूरे जिले में कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सर।